हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आई विल टीच यू कंप्यूटर साइंस क्लास सिक्स चैप्टर टू। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट कंप्यूटर कंपोनेंट्स, हाउ मैनी कंप्यूटर कंपोनेंट्स एंड हाउ दे वर्क। ऑब्जेक्ट ऑफ दिस चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बेसिक स्टैंडर्ड कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरीज एंड कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू बेसिक स्टैंडर्ड कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि जो कंप्यूटर को बेसिक उसके कंपोनेंट कौन कौन से चाहिए जो मिलकर काम करते हैं, तब जाकर एक पूरा पीसी फंक्शनेबल बनता है। इससे पहले हम पिछले लेसन में कंप्यूटर के बारे में जान चुके हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, काम कैसे करता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कंप्यूटर के पार्ट्स क्या क्या हैं। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस हैव एन इंट्रोडक्शन टू स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस, यानी कि जो कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं। लास्ट लेसन में आपने पढ़ा था कि कंप्यूटर को इनपुट डाटा दिया जाता है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग का काम करता है, जो उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है उसी के अकॉर्डिंग और हमें आउटपुट देता है। तो जो कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, और जो उसके प्रोसेसिंग में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इसके बारे में इस लेसन में पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस आर दोज डिवाइस विच मस्ट बी अटैच्ड विद सीपीयू टू ऑपरेट ए कंप्यूटर सिस्टम। वी कैन यूज लुक ऑफ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस एज फॉलोज। इसके ये वाले पार्ट्स होते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू जिसको बोलते हैं हम, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस उसका, माउस और मॉनिटर, ये कंपलसरी डिवाइस हैं। इन चारों के बिना कंप्यूटर पॉसिबल नहीं है। अगर हम कीबोर्ड नहीं लगाते तो इनपुट नहीं करवा सकते, माउस नहीं लगाते तो हम कंट्रोलिंग नहीं कर सकते, और मॉनिटर नहीं होगा तो हमारे को आउटपुट नहीं मिलेगा, और सीपीयू नहीं होगा तो ये तीनों किसी काम के नहीं है। इस तरह से ये जो चारों हैं इसके जो इम्पोर्टेंट हैं, और इनके सबसे मिलाने से ही हमारा कंप्यूटर काम करता है, एक पूरा डेस्कटॉप कंप्लीट होता है। हाउ कंप्यूटर वर्क, द वे ऑफ प्रोसेसिंग विद इन द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड प्रोसेसिंग साइकिल ऑफ ए कंप्यूटर। वी कैन रिप्रेजेंट प्रोसेसिंग साइकिल ऑफ ए कंप्यूटर एज गिवन बिलो। इसके अंदर क्या है कि कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग साइकिल है उसके अंदर हम उसे इनपुट करवाते हैं, उस इनपुट को कंप्यूटर प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट देता है। इस इनपुट के अंदर क्या है, द पार्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल इज रिलेटेड विद इनपुट ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इन टू द कंप्यूटर। इनपुट जो यूनिट होती है उसके जो इनपुट हम कंपोनेंट साथ में लगाते हैं, इनकी मदद से हम डाटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, सीपीयू को डाटा इनपुट करवाते हैं और इंस्ट्रक्शन देते हैं। एज वी नाउ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन एंड ईच इंस्ट्रक्शन इज प्रोसेस्ड इलेक्ट्रॉनिकली विद इन ए कंप्यूटर सिस्टम। जैसे कि आप जानते हो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, और इसके अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शन जाती है वो सारे इलेक्ट्रॉनिकली जाती है। दिस टाइप ऑफ डाटा प्रोसेसिंग इज डिफिकल्ट दैट ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। ये जो ह्यूमन को, इंसान को समझने के लिए ये जो इंस्ट्रक्शन है ये बहुत अलग टाइप से होती हैं। हम अपने लैंग्वेज में बोलते हैं लेकिन कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझता, कंप्यूटर को उसकी इलेक्ट्रॉनिकली लैंग्वेज में समझाना पड़ता है, यानी कि उसे वन और जीरो डिजिटल लैंग्वेज समझ आती है। इसके बारे में हम आगे और स्टडी करेंगे। दिस टाइप ऑफ कन्वर्जेशन, कन्वर्जन इज डन बाई इनपुट कंपोनेंट। फॉर ईच डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा वी यूज डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस। फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड इज यूज टू इनपुट करेक्टर्स डाटा, माउस इज फॉर पॉइंटिंग ऑन स्क्रीन, और फ्री हैंड ड्राइंग, माइक्रोफोन और फॉर साउंड इनपुट एक्सेट्रा। जो कीबोर्ड है
इसके ऊपर जितने भी कीज होते हैं, हर कीज को जब हम किसी भी कीज को प्रेस करते हैं तो इसकी पल्स जनरेट होती है, यानी कि इसके अंदर करंट या वोल्ट आप जो भी मानो, इसकी एक जो इलेक्ट्रॉनिकली पल्स जनरेट होती है जो कंप्यूटर के इनपुट में जाती है और कंप्यूटर उसी से आगे काम करता है, ना कि हमने ए दबाया तो ए कंप्यूटर के इनपुट में नहीं जाता, लेकिन ए के अकॉर्डिंग जो वैल्यू उसकी फिक्स की जाती है वो उतनी पल्स इसके अंदर जनरेट होती है और वो इसके अंदर जाती है। ऐसे ही अगर हम माइक्रोफोन से जो आवाज़ साउंड रिकॉर्ड करते हैं तो हमारी साउंड सेम की सेम अंदर जाकर रिकॉर्ड नहीं होती सीपीयू के अंदर, उसके अंदर जो साउंड जाती है उसको कन्वर्ट किया जाता, जो पल्स बन के जाती है और उसको डिजिटल रूप में 1010 फॉर्म में स्टोर किया जाता है। इसके बारे में जब आप आगे बड़ी क्लासों में पढ़ोगे या थोड़ा डीपली पढ़ोगे तब आप इसके बारे में अच्छी तरह समझ पाओगे कि मेमोरी जो कंप्यूटर के हार्ड डिस्क के अंदर मेमोरी कैसे स्टोर होती है, उसके अंदर रजिस्टर कैसे बनते हैं, सेक्टर कैसे बनते हैं और उसका जो प्रोसेस है, जो उनका एड्रेस होता है वो कैसे बनता है। प्रोसेसिंग, सेकेंड पार्ट इसका प्रोसेसिंग, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गिवन इंस्ट्रक्शन ऑन इनपुट डाटा इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है कंप्यूटर को उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन यानी कि उनको लागू करना प्रोसेसिंग कहलाता है। दिस इज ए मेन फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, ये सीपीयू का मेन फंक्शन है, इसी को ही कंप्यूटर का मेन काम बोला जाता है कि हमने इनपुट दे दिया और जो इंस्ट्रक्शन दी उसी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर ने काम करना होता है। ड्यूरिंग प्रोसेसिंग सेवरल अरेथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन टेक प्लेस। जब प्रोसेसिंग होती है तो बहुत सारे अरेथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन उसके अंदर काम करते हैं। द रोल इज परफॉर्म्ड बाई माइक्रो प्रोसेसर इज इंस्टॉल्ड विद इन ए कंप्यूटर सिस्टम। ये रोल किसके द्वारा किया जाता है, ये काम किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा जो कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड होता है। दिस सेंट्रल पार्ट प्रोसेसिंग साइकिल ऑफ ए कंप्यूटर इज बींग परफॉर्म्ड बाई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। वी विल लर्न दिस पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इन डिटेल इन नेक्स्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। जो उसका सेंट्रल पार्ट है, जो सीपीयू वो उसका सेंट्रल पार्ट है कंप्यूटर का, जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको उसका दिमाग हम कहते हैं कि सारा का सारा काम जो है उसी के थ्रू होना होता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट सेक्शन में अच्छी तरह से पढ़ेंगे जब इसका ब्लॉक डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आउटपुट, व्हाट आर द आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोसेसिंग द प्रोड्यूस रिजल्ट इज गिवन टू यूजर थ्रू आउटपुट यूनिट। जब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद जो यूजर को आउटपुट मिलता है या आउटपुट दिया जाता है वो काम किसका होता है, आउटपुट यूनिट का। आउटपुट यूनिट का काम है, आउटपुट भी ए डिवाइस कई होते हैं जिसके बारे में हम अभी नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि आउटपुट जैसे मेन मॉनिटर है तो मॉनिटर के हमें ऊपर जो आउटपुट मिलता है वो प्रोसेसिंग के बाद ही हमें रिजल्ट मिलता है। द कंप्यूटर ऑफ कम दिस यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम डज एक्सैक्टली अपोजिट ऑफ इनपुट डिवाइस। ये जो आउटपुट है ये अपोजिट है बिल्कुल किसके, इनपुट डिवाइस के, इनपुट यूनिट के। डिवाइस यूज फॉर आउटपुट पर्पज कन्वर्ट इलेक्ट्रॉनिक डाटा ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा होता है उसको अपने को समझने लायक ये बनाना, ये आउटपुट यूनिट का काम होता है। जैसे अपना डाटा कंप्यूटर के लिए कन्वर्ट करना वो इनपुट यूनिट का काम होता है, और जो कंप्यूटर का डाटा हमें इंसान को समझने के लिए बनाना वो आउटपुट यूनिट का काम होता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ आउटपुट डिवाइस आर मोनिटर, LCD, LCD मीन्स लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, स्पीकर, प्रिंटर, दीज ऑल आर आउटपुट डिवाइस। ऑल दीज टर्म्स कलेक्टिवली मेड ए कंप्यूटर सिस्टम कंप्लीटली फॉर प्रोसेसिंग आवर इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ब्लॉक डायग्राम, व्हाट इज ब्लॉक डायग्राम? ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर रेफर टू द लेआउट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ऑल कंपोनेंट्स विद इन ए कंप्यूटर सिस्टम। आपको इसकी ये डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, कोई आपसे पूछता कि ब्लॉक डायग्राम
से आप क्या समझते हो, या व्हाट इज ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर। तो देन यू कैन से ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर रेफर टू द लेआउट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ऑल कंपोनेंट विद इन ए कंप्यूटर सिस्टम। वी कैन हैव ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस लेआउट इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर इज गिवन बिलो। दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर। प्रोग्राम एंड डाटा इनपुट यूनिट, वी गिव इनपुट यूनिट एंड इनपुट यूनिट फॉरवर्ड दिस टू मेमोरी यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ द CPU, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक यूनिट जब ये पूरा प्रोसेसिंग कंप्लीट करते हैं तो ये आउटपुट यूनिट को फॉरवर्ड करते हैं डाटा, जो भी इसको हमें चाहिए होता है, जो आउटपुट रिजल्ट तैयार करते हैं वो आउटपुट डिवाइस को दिया जाता है। अगर साउंड है तो स्पीकर को दिया जाएगा, प्रिंट कमांड दिया है तो प्रिंटर को दिया जाएगा, वैसे हम जो देखते हैं तो वो मॉनिटर के ऊपर अपने को दिखता है। वी हैव ऑलरेडी स्टडी इनपुट यूनिट CPU एंड आउटपुट यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। लेट अस अंडरस्टैंड द पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इससे पहले हम इनपुट यूनिट CPU और आउटपुट यूनिट ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ चुके हैं, अभी हम CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसके बारे में देखेंगे कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के मेन पार्ट्स क्या है, पार्ट्स कौन कौन से हैं और मेन पार्ट्स कौन सा है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसको अच्छी तरह याद रखना कि पार्ट्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऐसा क्वेश्चन भी आता है आपको और आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। इसके मेन पार्ट्स मेमोरी यूनिट जिसको शॉर्ट फॉर्म में MU बोला जाता है, कंट्रोल यूनिट CU, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट ALU। नंबर एक मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज आल्सो नोन एज स्टोरेज यूनिट। इट होल्ड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इन कंप्यूटर सिस्टम। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ मेमोरीज, ईच ऑफ देम इज हैविंग इट्स डिफिकल्ट रोल टू परफॉर्म। देयर साइज, स्टोरेज कैपेसिटी, नेचर ऑफ ऑपरेशन एंड स्पीड मेक देम डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो मेमोरी यूनिट है उसका काम क्या है, डाटा को स्टोर करना, उसे स्टोरेज यूनिट भी कहा जाता है। ये डाटा को स्टोर करती है, होल्ड करती है और इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है किसके, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। इसके भी कई टाइप होते हैं और जो मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी हो सकती है, सेकेंडरी हो सकती है, प्राइमरी के भी पार्ट अलग अलग होते हैं, रैम होती है, रोम होती है, सबका काम अलग अलग है और सबकी परफॉर्मेंस भी अलग है, उनके रोल के मुताबिक उनकी परफॉर्मेंस अलग अलग होती है। देयर साइज, कैपेसिटी एंड नेचर ऑफ ऑपरेशन एंड स्पीड मेक देम डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इनका साइज यानी कि जो स्टोरेज कैपेसिटी है इनकी और इनका साइज और इनका जो ऑपरेशन और स्पीड, ये इनकी वजह से ये सारी मेमोरी एक दूसरे से अलग होती हैं। कंट्रोल यूनिट। द कंट्रोल यूनिट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जो कंट्रोल यूनिट है इसको कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। इट परफॉर्म्स ऑल द ऑपरेशन गिवन इन द फॉर्म ऑफ इनपुट इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम। ये सारे काम जो ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, जो इसको इनपुट इंस्ट्रक्शन और जहाँ प्रोग्राम के द्वारा दिए जाते हैं। इट आल्सो कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ ऑल अदर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। ये बाकी सारे कंपोनेंट्स को भी, कंपोनेंट के फंक्शन को भी कंट्रोल करता है। इट एक्सेप्ट ऑल द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम इनपुट यूनिट एंड जनरेट सीरीज ऑफ कंट्रोल सिग्नल अकॉर्डिंग टू द इनपुट इंस्ट्रक्शन गिवन। ये इनपुट यूनिट के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है उनको एक्सेप्ट करता है, इनपुट जो दिया जाता है डाटा उसके अकॉर्डिंग ये उनके ई सिग्नल जनरेट करता है, कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है और जो इंस्ट्रक्शन है उनको आगे फॉरवर्ड करता है। द कंट्रोल सिग्नल, द कंट्रोल सिग्नल्स देन ऑपरेट द अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। जो कंट्रोल सिग्नल होते हैं वो कंप्यूटर के अदर पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का यही मेन काम होता है।
अभी आप सिंपल समझो कि कंट्रोल यूनिट क्या है। कंट्रोल यूनिट का काम है जो इनपुट यूनिट द्वारा उस इंस्ट्रक्शन दी जाती है उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल सिग्नल जनरेट करना और सिस्टम के जो कंपोनेंट को कंट्रोल करना। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट ALU इसका शॉर्ट फॉर्म है। दिस इज ए कोर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर CPU, यानी कि उसका कोर कंपोनेंट है, मेन भाग है उसका। एज पर इट्स नेम इट परफॉर्म्स ऑल द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल रिलेटेड टास्क ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के दौरान, जैसे इसका नाम है अरिथमेटिक और लॉजिकल, ये दोनों काम इसके द्वारा ALU के द्वारा किए जाते हैं जब उसकी प्रोसेसिंग का टास्क होता है। इन डिजिटल कंप्यूटर ऑल द ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड लॉजिकली एंड कंटेन ए लॉट ऑफ कैलकुलेशंस टू बी प्रोसेस्ड। जैसे आप जानते हो कि आजकल जो डिजिटल फॉर्म ये मीडिया चल रहा है, जो डिजिटल अपने सारे कुछ हो चुका है, स्टडी है, एजुकेशन जो भी है अपना, तो वो सारे क्या डिजिटल जो कैलकुलेशन होती है वो थोड़ा डिफरेंट होती है। ये सिंपल प्लस माइनस नहीं होते, इसके अंदर बहुत साइंटिफिक कैलकुलेशन हाई लेवल पे होती है। चाहे वो लैब के अंदर रिजल्ट तैयार करना है, चाहे किसी साइंटिस्ट ने कोई अपना प्रोजेक्ट तैयार करना है, तो वो सारी जो कैलकुलेशन वो किस बेस पे होती है, लॉजिकल, यानी कि उनका कुछ ना कुछ लॉजिक होता है कि ये लॉजिक क्लियर होने पर ही ये प्रोसेसिंग आगे होना है या नहीं करना। इसी प्रकार अरिथमेटिक जो कैलकुलेशन होती है ये भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। तो इनके अकॉर्डिंग ALU का काम है कि इन कैलकुलेशन को उसने करना होता है। प्रोसेसिंग ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन एंड आर लॉजिकल ऑपरेशन लाइक एंड और नॉट एक्सेट्रा आर डन बाय दिस पार्ट ऑफ CPU। जब आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के फील्ड में आगे स्टडी करोगे, इसके अंदर आपको पता चलेगा कि एंड और नॉट ये गेट इस प्रकार के होते हैं जिनके अंदर कुछ कंडीशन अप्लाई होती है कि ये होने पर, यानी कि प्लस माइनस अगर हम दे रहे हैं, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, इस प्रकार इसके अंदर टर्म एंड कंडीशन दी होती हैं कि किस गेट ने कब काम करना होता है, किससे कौन सा सिग्नल पास होना, किससे नहीं होना, किससे कौन सी इंस्ट्रक्शन आगे जाएगी या नहीं जाएगी। तो ये सारे काम ALU के द्वारा किए जाते हैं। दिस पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज इंटीग्रेटेड विद इन द माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर का ये पार्ट्स जो ALU है ये माइक्रो प्रोसेसर के विद इन उसके अंदर ही बना होता है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरीज। इससे पहले मैंने बताया कि कंप्यूटर की मेमोरी भी अलग अलग टाइप की होती है, उनका कैटेगरी जहाँ डिफरेंस क्यों होता है, उनके साइज के अकॉर्डिंग, उनके काम के जो स्टोरेज उनकी कैपेसिटी होती है और उनका जो नेचर ऑफ वर्क है उसके अकॉर्डिंग और उनकी परफॉर्मेंस। तो कंप्यूटर के अंदर में मेनली दो टाइप की कंप्यूटर मेमोरीज होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नॉन एज मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जो प्राइमरी मेमोरी होती है इसको कंप्यूटर सिस्टम का मेन मेमोरी भी कहा जाता है। इट इज डायरेक्टली एक्सेसिबल मेमोरी बाई माइक्रो प्रोसेसर विच इज कंट्रोल यूनिट ऑफ CPU। इसको असेस कौन करता है? माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर के लिए होती है ये विच इज कंट्रोल यूनिट ऑफ CPU, जो कि CPU की कंट्रोल यूनिट है। ऑल द इंस्ट्रक्शन एंड डाटा मस्ट बी प्रेजेंट इन प्राइमरी मेमोरी बिफोर प्रोसेसिंग। जब कंप्यूटर को हमने काम करवाना होता है, कंप्यूटर की आपने देखा होगा स्टार्टिंग होती है, बूटिंग होती है, तो उसके अंदर ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन रहती है जो कंप्यूटर को उसको, जैसे हम नया कंप्यूटर लाते हैं तो उसके अंदर हमने विंडो इंस्टॉल करनी होती है, लेकिन विंडो इंस्टॉल करने से पहले जैसे हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ हमें इंस्ट्रक्शन मिलती है, लिखा हुआ आता है और आता है कि वो इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करो, जहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं है। और जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर देते हैं उसके बाद जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो जितनी देर में बूटिंग होती है उसकी, यानी कि जो बायस जो बेसिक होता है उसका, स्टार्टिंग बेसिक इनपुट आउटपुट, तो उस टाइम जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है वो कंप्यूटर के द्वारा दी जाती है और वो उसकी जो मेन मेमोरी उसके अंदर होती है, रोम के अंदर। द मेमोरी इज ऑल्सो नॉन एज मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ
प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी टू टाइप की होती है, रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का रीड ओनली मेमोरी। दिस प्राइमरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। इट इज वेरी फास्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। जो रैम है वो मेन मेमोरी है और ये बहुत फास्ट होती है। ऑल इंस्ट्रक्शन और डाटा आर स्टोर्ड हेयर ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के दौरान पूरे का पूरा डाटा इसके अंदर स्टोर होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कंप्यूटर में काम कर रहे हो, आपने एक वर्ड की फाइल खोली, उसके अंदर आपने टाइपिंग स्टार्ट कर दी। अभी तक आपने उसको स्टोर तो किया नहीं, लेकिन जब तक वो फाइल खुली रहती है वो तब तक रैम के अंदर स्टोर रहती है। जैसे आप उसको सेव कमांड देते हो, सेव करते हो या वर्ड को क्लोज करते हो, और तब ये जाकर डाटा अपना सेकेंडरी मेमोरी के अंदर ट्रांसफ़र होता है। नहीं तो जब तक आपकी फाइल खुली हो तब तक वो डाटा आपका रैम के अंदर रहता है। आपने कंप्यूटर के ऊपर सॉन्ग चलाए हैं तो सॉन्ग जब तक चल रहे हैं वो आपके रैम के अंदर डाटा है। आपने नेट ब्राउजिंग कर रहे हो, वो आपका डाटा रैम के अंदर चल रहा है। तो रैम, इसलिए इसको मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी बोला जाता है। और रैम जितनी आपकी ज़्यादा होती है उतना कंप्यूटर की स्पीड फास्ट रहती है। अगर आपकी रैम कम है तो आप जब मल्टीटास्क इसके ऊपर करते हो, जैसे कि आपने नेट भी चलाना है, साथ में सॉन्ग भी सुनने हैं, एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी चल रही है, आप सीडी या डीवीडी राइट भी कर रहे हो, और आप कोई टाइपिंग का काम भी कर रहे हो या कोई डिजाइनिंग का काम भी कर रहे हो, इतने काम आपने करने तो आपका कंप्यूटर हैंग होगा। अगर आपकी रैम अच्छी है, ज़्यादा मेमोरी की है, कैपेसिटी उसकी ज़्यादा है, 4 GB या 8 GB या 16 GB, तो आपका कंप्यूटर हैंग नहीं होता। ये जितने भी काम होते हैं, अगर हम ये मान लो कि एडिटिंग करते हैं कोई वीडियो की या साउंड की, तो वो जब तक हम उसको भी स्टोर नहीं करते वो सारे का सारा डाटा हमारी रैम के अंदर रहता है। इस तरह जो रैम है इसका मेन काम कंप्यूटर की जो प्राइमरी मेमोरी होती है उस, इसलिए इसको प्राइमरी मेमोरी बोला जाता है कि ये कंप्यूटर के सारे मेन काम करती है और ये बहुत फास्ट मेमोरी होती है। दिस मेमोरी इज ए वोलाटाइल इन नेचर, और इसको वोलाटाइल मेमोरी भी बोला जाता है या इसका टाइप वोलाटाइल मेमोरी होता है। ऑल कंटेंट स्टोर्ड इन दिस मेमोरी आर लॉस्ट व्हेन पावर गोज ऑफ। अगर हम डाटा को स्टोर नहीं करते और कंप्यूटर को शट डाउन कर देते हैं तो ये पूरे का पूरा डाटा लॉस्ट हो जाता है, इसके अंदर ऑटोमेटिक सेव नहीं होता। जब हम इसे सेव कर देंगे तो अपना डाटा सेकेंडरी मेमोरी में सेव रहेगा, लेकिन अपनी रैम खाली हो जाती है जब आप कंप्यूटर शट डाउन करते हो। रोम रीड ओनली मेमोरी। दिस मेमोरी इज ए परमानेंट मेमोरी अटैच्ड ऑन द मदरबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम। जो रोम है वो परमानेंट अटैच होती है मदरबोर्ड के ऊपर। कंटेंट स्टोर्ड इन इट कांट बी चेंज्ड एज इट इज रीड ओनली मेमोरी। जो रैम होती है ये सिर्फ रीड ओनली मेमोरी होती है, इसके कंटेंट को, इसके डाटा को हम चेंज नहीं कर सकते। दिस मेमोरी होल्ड इंस्ट्रक्शन एंड डाटा रिक्वायर्ड फॉर कंप्यूटर सिस्टम टू स्टार्ट। इसके अंदर कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए नेसेसरी जो इंस्ट्रक्शन होती है वो, और जो डाटा इसके अंदर स्टोर रहता है। सॉरी, नो राइट ऑपरेशन इज अलाउड ऑन दिस मेमोरी। इस मेमोरी के ऊपर आप कुछ भी राइट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी स्टोरेज इज कॉल्ड ऑक्सिलरी स्टोरेज। इट इज परमानेंट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसको ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं और ये परमानेंट मेमोरी होती है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि प्राइमरी मेमोरी जो रैम इज नॉट परमानेंट, रैम इज नॉट अलाउड यूजर टू स्टोर डाटा। सेकेंडरी मेमोरी एक्सिलरी स्टोरेज भी कहते हैं इसे, परमानेंट मेमोरी होती है जे, और रैम परमानेंट नहीं होती, और रोम यूजर को अलाउ नहीं करती कि उसके ऊपर डाटा स्टोर कर सके। सो प्रोवाइड परमानेंट स्टोरेज इज कंप्यूटर। जो सेकेंडरी मेमोरी है वो कंप्यूटर को परमानेंट स्टोरेज प्रोवाइड करती है, और हम इसको जो डाटा स्टोर करने के लिए सेकेंडरी स्टोरेज को यूज किया जाता है।
दिस मेमोरी इज नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द प्रोसेसर, जो प्रोसेसर है कंप्यूटर का वो डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं करता, वो किसको करता है एक्सेस, प्राइमरी मेमोरी को। इट इज फॉर स्टोरिंग डाटा नॉट इन एक्टिव यूज, जो डाटा इसके अंदर स्टोर होता है वो एक्टिव टाइम पे यूज नहीं हो रहा होता। मान लो आपने एक हार्ड डिस्क के अंदर एक कोई सॉन्ग आपने स्टोर किया हुआ है, जब आप उस स्टोर को ओपन करते हो, सॉन्ग को सुनते हो, तब वो आपका सेकेंडरी से आपकी प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम के ऊपर वो डाटा आ जाता है। सेकेंडरी में भी रहता है लेकिन उसकी एक कॉपी जो टेम्परेरी फाइल होती है वो आपकी रैम के अंदर बनती है, और तभी वो सॉन्ग चलता है। जब तक वो सॉन्ग चलेगा तब तक आपका उसके अंदर रैम के अंदर रहेगा। जब आप उसे म्यूजिक प्लेयर को जहाँ उस सॉन्ग को क्लोज करते हो तब वो वहाँ से फिर टेम्परेरी फाइल डिलीट हो जाती है और वो आपको डाटा द्वारा फिर सेकेंडरी मेमोरी से खोलना पड़ता है। सो इट इज कॉल्ड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, जो सेकेंडरी मेमोरी है इसको नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। इन्हें पर्सनल कंप्यूटर सेकेंडरी स्टोरेज के जो टाइप हैं CD, DVD, USB, पेन ड्राइव, ये सारे क्या सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स हैं। कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के भी उसकी स्पीड, मेमोरी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी एंड स्टोरेज कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर भी अलग अलग टाइप के होते हैं। नंबर एक माइक्रो कंप्यूटर, जिसको हम पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, जो ज़्यादातर हमारे घरों के अंदर यूज किया जाता है उसे पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। सेकंड है मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर जो छोटे कंप्यूटर होते हैं। थर्ड है जो मेन फ्रेम कंप्यूटर, और फोर्थ है सुपर कंप्यूटर। इनके बारे में अभी हम एक एक करके अच्छी तरह पढ़ेंगे। माइक्रो कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज नाउएडेज, ज़्यादातर आजकल आपने देखा होगा पर्सनल कंप्यूटर ही, जो माइक्रो कंप्यूटर यही यूज किए जाते हैं, चाहे आप ऑफिस में हो, स्कूल में हो, लैब के अंदर हो, कहीं शॉप पे हो, हर जगह जो कंप्यूटर यूज किए जाते हैं वो वाले माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर हैविंग कॉमन स्टोरेज कैपेसिटी एंड प्रोसेसिंग स्पीड, इसकी जो नॉर्मल जितनी हमें चाहिए होती है उतनी इसकी प्रोसेसिंग स्पीड होती है और स्टोरेज कैपेसिटी होती है। द कॉस्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर इज वेरी लेस, इनकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है, यानी कि हम अपने बजट के अकॉर्डिंग उसको ले सकते हैं। दिस कंप्यूटर अफोर्डेबली यूज इन ऑल स्मॉल बिजनेस, स्मॉल ऑफिस, स्कूल्स एंड अदर वर्क प्लेस, जहाँ पे ये यूज किए जाते हैं। मेन कंप्यूटर्स मिनी कंप्यूटर्स, दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर हैज़ ग्रेटर फीचर एंड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी देन ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं उनसे इसके अंदर जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ वो ज़्यादा होती है, जो फीचर हैं वो इससे ज़्यादा होते हैं। दीज कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन द फील्ड वेयर मल्टीपल यूजर्स आर रिक्वायर्ड टू वर्क टुगेदर, जहाँ पे कुछ लोगों ने मिलकर काम करना होता है, जहाँ यूजर ने कईयों ने इकट्ठे काम को करना होता है, वहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है। स्टोरेज कैपेसिटी, शेयरिंग ऑफ रिसोर्स एंड प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर इज हायर देन माइक्रो कंप्यूटर, इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है, शेयरिंग ऑफ रिसोर्स यानी कि जितने आपने अटैचमेंट उसके साथ किए हुए हैं, चाहे हार्ड डिस्क आपने शेयर करनी है, चाहे उसके कोई साथ में प्रिंटर या कोई और डिवाइस लगा हुआ उसको शेयर करना है, तो वो मिनी कंप्यूटर के अगर कंपेयर करें तो उससे ये ज़्यादा होता है। मिनी कंप्यूटर्स आर मेनली यूज्ड एज स्मॉल और मिड रेंज सर्वर्स, जिसको जाने के हम सर्वर के तौर पे यूज करते हैं। जैसे आपने कोई बिल्डिंग है, कोई ऑफिस है, जिसके अंदर आपने दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर कनेक्ट करना है और उसके अंदर आप पूरे का पूरा डाटा शेयर करना चाहते हो, क्लाइंट को कंट्रोल करना चाहते हो, तो हमें एक सर्वर इंस्टॉल करना पड़ता है। इसी तरह ये जो मिनी कंप्यूटर हैं, ये एक प्रकार के ये सर्वर होते हैं, जो दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड इन लार्ज बिजनेस, लार्ज टीम बेस्ड कंपनीज, साइंटिफिक एप्लीकेशन, जो बड़े बिजनेस होते हैं या जहाँ पे ज़्यादा टीम काम करती हैं एक साथ, तो उनके लिए या फिर साइंटिफिक एप्लीकेशन है उनके ऊपर इकट्ठे एक साथ काम करना होता है यूजर ने, तो उनके लिए मिनी कंप्यूटर काम आते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर, दीज कंप्यूटर आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा क्विकली, दीज कंप्यूटर्स आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑपरेशन ऑन लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा,
विद हाई प्रोसेसिंग स्पीड मेन फ्रेम कंप्यूटर आर यूज इन लार्ज इंस्टीट्यूशन ये सच एज गवर्नमेंट ऑफिस बैंक्स एंड लार्ज कॉरपोरेशन। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं ये मिनी कंप्यूटर हैं जो उनसे कई गुना एडवांस होते हैं, उससे बहुत ज़्यादा इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है, बहुत ज़्यादा डाटा को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि डाटा हैंडल करना कंप्यूटर की स्पीड पर, उसकी कैपेसिटी पर, उसकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। ज़्यादातर जैसे आप देखो कि अभी बैंकों का होता है, एक बैंक के अंदर कितने कस्टमर होते हैं, कितने अकाउंट होते हैं, उनका कितना डाटा उनके अंदर स्टोर किया रहता है, फिर कितना पैसा उसमें विड्रॉल करते हैं, जमा करते हैं, तो ये जितना भी रिकॉर्ड रखा जाता है ये सारे मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, उनके द्वारा स्टोर किया जाता है। अभी हम बोलते हैं कि कंप्यूटर का मेन सर्वर, जहाँ इस बैंक का मेन सर्वर कहाँ पे, सर्वर में प्रॉब्लम आ रही है, एटीएम काम नहीं कर रहा, सर्वर में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सारे काम जो होते हैं ये मेन फ्रेम कंप्यूटर उनके द्वारा किए जाते हैं। सुपर कंप्यूटर, जो सुपर कंप्यूटर इज मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर, इट हैज फास्टेस्ट स्पीड एंड वेरी हाई प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज। जो सुपर कंप्यूटर होता है ये बहुत पावरफुल कंप्यूटर होता है, इसकी स्पीड बहुत फास्ट यानी कि सबसे फास्ट, और इसकी जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इट हैज लार्ज डाटा स्टोरेज, इसके डाटा स्टोरेज अनलिमिटेड होता है। इस सुपर कंप्यूटर इज स्पेशली यूज्ड फॉर कम्प्लेक्स एप्लीकेशन इन बिग ऑर्गेनाइजेशन। सुपर कंप्यूटर्स आर द मोस्ट पावरफुल एंड वेरी एक्सपेंसिव। द एप्लीकेशन एरियाज ऑफ दिस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आर वेदर फॉरकास्टिंग, क्लाइमेट रिसर्च, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एक्सेट्रा। तो जो सुपर कंप्यूटर का यूज कहाँ पे करते हैं, चाहे तो क्लाइमेट सर्च का, जैसे हम एनवायरनमेंट का पहले हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि आज बारिश होने वाली है, आज जहाँ पे जा ये होने वाला है, उसका कितना डाटा स्टोर किया जाता है, कितनी प्रोसेसिंग होती है उसकी, डेली का, हर मिनट का, हर घंटे का डाटा हमें मिलता है। आप सोच के देखो कि गूगल आज की डेट में उनका सर्वर कितना बड़ा है, उनको इतने जो यूजर हैं उनके, इतनी ईमेल चल रही है उनके, उनको स्टोर करने के लिए उनको कितना बड़ा प्रोसेसर चाहिए होगा, कितना बड़ा कंप्यूटर जो चाहिए होगा। तो वो सब जो कंपनियां हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, या इतने बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन, वो सुपर कंप्यूटर को यूज करते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर, इस लेसन के अंदर जो अभी तक हमने पढ़ा उसका जो कंक्लूजन है, जो आपको मेन पॉइंट है, ये वाले पॉइंट याद रखने चाहिए, इन्हीं से देखते हुए आगे आपकी एक्सरसाइज सॉल्व होगी। कीबोर्ड एंड माउस आर द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। मॉनिटर LCD इज द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। आपको पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, कि जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस कीबोर्ड और माउस होते हैं। मॉनिटर LCD आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल इज इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। इसकी शॉर्ट फॉर्म IPOB से बोला जाता है, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट। मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड ALU आर द कंपोनेंट ऑफ द CPU। कंप्यूटर एक्सेप्ट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन थ्रू इनपुट यूनिट। कंप्यूटर गिव्स द रिजल्ट थ्रू आउटपुट यूनिट। कंप्यूटर प्रोसेस द गिवन इंस्ट्रक्शन थ्रू CPU एंड प्रोड्यूस द रिजल्ट। तो ये आपका लेसन सेकेंड था। इसके बारे में अगर किसी को अभी तक कुछ समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अभी इसके आगे इसके जो जो दूसरे और इम्पोर्टेंट पॉइंट, CPU कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सेपरेट टाइम्स यूनिट, दे आर मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। इनके बारे में अच्छी तरह आपको मैं पहले ब्रीफ कर चुका हूँ, इसलिए मैं दोबारा इसको रिवाइज नहीं करना चाहता। द कंट्रोल यूनिट इज ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर विच परफॉर्म द प्रोसेसिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन मेमोरी डायरेक्टली डायरेक्टली एक्सेसिबल बाई CPU इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड प्राइमरी स्टोरेज। परमानेंट स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज और ऑक्सिलरी स्टोरेज। कंप्यूटर यूज एट होम और स्मॉल बिजनेस इज कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर इज द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। अब इसके एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स। विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम द यूजर। वेरी सिंपल, इसका आंसर इज ए, इनपुट यूनिट। वट इज द पार्ट ऑफ CPU। CPU के पार्ट्स कौन से हैं? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, ALU।
और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ अबव। विच मेमोरी स्टोर परमानेंटली डाटा इन कंप्यूटर सिस्टम, प्राइमरी मेमोरी, रैम, सेकेंडरी मेमोरी, ऑल ऑफ द अबव। प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी होती है और रैम उसका भी एक टाइप है प्राइमरी मेमोरी का, तो ये डाटा को स्टोर परमानेंटली नहीं करती, टेम्परेरी करती है, लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी है वो परमानेंट इसको स्टोर करती है। तो इसका करेक्ट आंसर सी। विच इज द मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर, मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर कौन सा होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी, माइक्रो और सुपर। तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं, इसका आंसर बी। विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम गिव्स रिजल्ट एज एन आउटपुट टू द यूजर, मेमोरी यूनिट, इनपुट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और आउटपुट यूनिट। तो आउटपुट का जो काम है वो आउटपुट यूनिट द्वारा किया जाता है, इनपुट का काम इनपुट यूनिट द्वारा किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी, आउटपुट यूनिट। राइट द फुल फॉर्म, अभी आपने इसकी फुल फॉर्म लिखनी है। फुल फॉर्म फर्स्ट ए एल यू, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, सी पी यू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एल सी डी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आपको स्पेलिंग की अगर कोई डाउट पड़ता है तो लेसन में ऊपर आपको करवा चुका हूँ, आप पढ़ चुके हो अपनी बुक में से इसके स्पेलिंग, देख सकते हो। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, रीड ओनली मेमोरी, सी यू, कंट्रोल यूनिट, एम यू, मेमोरी यूनिट, आई पी ओ, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर ऑफ द सी पी यू। सी पी यू के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, सी यू, एम यू, ए एल यू, आपने इनका पूरा नाम लिखना है। कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द मेमोरी, देर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, दीज आर प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। व्हाट आर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, गिव एनी थ्री और फोर एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, सी डी, डी वी डी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क। वाट इज द फंक्शन ऑफ द ए एल यू, तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मेन फंक्शन ऑफ द ए एल यू जो अरिथमेटिक और लॉजिकल को प्रोसेस करता है और उसको डाटा को कंट्रोल, जो सिग्नल उसके जनरेट, जो कंट्रोल यूनिट के द्वारा सिग्नल दिया जाता है उसी के अकॉर्डिंग ये प्रोसेसिंग करता है। इसका पूरे का पूरा जो एल यू को, ए एल यू का आपको पार्ट दिया गया था इसमें, वो पूरा आपने इसमें लिखना है। केवल ए एल यू पूरे का पूरा आपने इसका लिखना है। दिस इज द कोर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सी पी यू, एज पर इट्स नेम इट परफॉर्म्स ऑल द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल रिलेटेड टास्क ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। इन डिजिटल कंप्यूटर ऑल द ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड लॉजिकली एंड कंटेन ए लॉट ऑफ कैलकुलेशंस टू बी प्रोसेस्ड। प्रोसेसिंग ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस एंड ऑल लॉजिकल ऑपरेशंस लाइक एंड और नॉट, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहीं तक लिखना। नेक्स्ट इसके बाद है क्वेश्चन जो आपका, व्हाट इज माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर की डेफिनेशन ऊपर आपने पढ़ी थी कि माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं, वो पूरे का पूरा आपने लिखना है इसमें। व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर की जो डिफरेंट कैटेगरीज है उनके नाम आपने लिखने हैं यहाँ पे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाई ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, डिफाइन इट्स कंपोनेंट। तो यहाँ पे एक आपने ब्लॉक डायग्राम उसका बनाना है कंप्यूटर का और उसके कंपोनेंट उनके बारे में आपने लिखना है। हाउ कंप्यूटर वर्क, एक्सप्लेन ईच टर्म इन डिटेल्स। कंप्यूटर काम कैसे करता है, जो उसके ब्लॉक डायग्राम जो आई पी ओ, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, उसके बारे में आपने डिटेल से इसके अंदर लिखना है। नेक्स्ट है एक्टिविटी, राइट द गिवन टर्म्स इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरीज। रिस्पेक्टिव कैटेगरीज के अंदर आपने इसको लिखना है। रैम क्या है, रैम एक प्राइमरी मेमोरी है। कीबोर्ड क्या है, इनपुट है। ये आपको चार ऑप्शन दिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, आउटपुट और इनपुट, तो इनको आपने सेलेक्ट करके वहाँ पे लिखना है। माउस क्या है आपका, इनपुट। रोम क्या है, प्राइमरी मेमोरी। हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है, सेकेंडरी मेमोरी। प्रिंटर आउटपुट।
माइक्रोफोन इनपुट, स्पीकर आउटपुट, यूएसबी पेन ड्राइव, सेकेंडरी मेमोरी, एलसीडी मॉनिटर, ये है आपका आउटपुट। तो इस प्रकार इनको आपने लिखना है, इनकी कैटेगरी वाइज इसको डिवाइड करना है। ये था लेसन सेकंड। अगर इस लेसन के अंदर आपको कुछ भी समझ नहीं आया या कोई डाउट रह गया या कुछ और आप उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए या मुझे ईमेल करिए, मैं आपको उसके रिलेटेड वीडियो और बना कर दूँगा और अच्छी तरह से आपको समझाऊँगा। इस वीडियो को लाइक करो, अपनी क्लास के हर बच्चे के साथ में शेयर करो ताकि बाकी भी कंप्यूटर सीख सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। थैंक यू।